हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2.5 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पांच तक क्वेश्चन को हमने कर लिया था लास्ट पार्ट्स में, पार्ट नंबर 11 में। ये पार्ट नंबर 12 रहेगा, 12 नंबर पार्ट रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, तो आप ज़रा गौर से पढ़ते रहिए, ध्यान बनाए रखें इस कक्षा के अंदर। और ये जो सरल समीकरण है, ये तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी, ये सरल समीकरण। इसके अलावा एक सरल समीकरण मैं यहाँ और लिख रहा हूँ, जो कि पावर 2 नहीं पावर 3 लेकर आ रही है। x प्लस वाई की पावर अगर 3 हो तो ये किस प्रकार से होगी, ज़रा देखिए। ये सरल समीकरण 5th है, जरा इसको भी देख लीजिए, या फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट ये देखिए कि सरल समीकरण 5 एक्स प्लस वाई की क्यूब, जब पावर 3 आ जाती है ना बच्चों, तो ये क्या बन जाता है, x की पावर 3 प्लस 3 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, याद कर लेना इसको, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई के क्यूब। या फिर इसको मैं और लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। इसको इन दोनों में से मैं कुछ भी लिखता हूँ या लगाकर, या तो आप ये याद कर लीजिए या आप ये याद कर लीजिए, दोनों ही काम आने वाली है। 6 में एक्स माइनस वाई के क्यूब हो जाएगा, जो कि एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसको या तो ऐसे याद कर लीजिए, माइनस आ रहे हैं तो लगातार माइनस माइनस माइनस, और या फिर ये भी माइनस का वाई क्यूब है, ठीक है ना, ये ज़रा याद रखना है। या फिर इसको याद कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में 3 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस में वाई क्यूब, या इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ प्लस आएगा, तो इनको आपने लर्न करना है, वो मैं काम आप पर छोड़ता हूँ। इस सरल समीकरण को याद कीजिए, इसको इसका यूज़ करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल समीकरण का प्रयोग करके 2x प्लस 1 की पावर 3 को हल कीजिए। अब इसको आपने हल करना है, तो जरा देखिए ये, अब इसमें x यूज हो चुका है, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि a प्लस बी है, यहाँ पर मान लीजिए, ये मान लीजिए सरल समीकरण कौन सी है, ये 5th। a प्लस बी के क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। जरा इसके अंदर ये वैल्यू रखते हैं, a बराबर कितना है जरा देख लीजिए, 2x, एंड b बराबर कितना है, 1। तो वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए 2x प्लस 1 की क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, 2x की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वेयर भी, यानी कि 2x की स्क्वेयर गुना में b प्लस में 3 ए बी स्क्वेयर, यानी कि 2x बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, यानी कि 1 की पावर 3। जरा सोल्व कर लेते हैं, 2 के क्यूब कितना होता है, 2 दुना 4, 4 दुना 8 प्लस 2 की स्क्वेयर 4 एक्स स्क्वेयर गुणा में 1, ठीक है ना, ऐसे 3 दुना 6 एक्स, 1 की स्क्वेयर 1 और 1 की क्यूब 1। इसको आप अपनी कॉपी पर सोल्व करेंगे तो ये ज़्यादा समझ आने वाला है, ना कि मैं बोर्ड पर आपको करके दिखाऊं, आप खुद करके देखिए इसको और ज़्यादा समझ सकते हैं इजीली। तो 8x क्यूब 3 चौके 12 प्लस 6x प्लस 1, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd आप करेंगे, मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4th आपके लिए। जरा गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, अगर इसको आपने आराम से देख लिया समझ लिया, तो आपको ये क्यूब अब की बार समझ आ जाने वाली है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्स माइनस तीन बटे दो वाई की क्यूब। अब ये देखिए, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए, ये सर्व समीकरण ए माइनस बी के क्यूब की तरह है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस में थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, माइनस में बी की क्यूब। ये सर्व समीकरण आपको याद रहनी चाहिए। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया है इसकी बजाय, नीचे वाले के बजाय। तो इसमें वैल्यू रखें, ए क्यूब यानी कि एक्स के क्यूब माइनस में थ्री ए स्क्वायर यानी कि एक्स के स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि तीन बटे दो वाई के स्क्वायर प्लस थ्री ए और बी के स्क्वायर यानी कि तीन बटे दो वाई की स्क्वायर माइनस बी के क्यूब यानी कि तीन बटे दो वाई की क्यूब। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस में तीन एक्स स्क्वायर गुना में तीन की स्क्वायर नौ, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर दो की स्क्वायर चार प्लस थ्री एक्स तीन की स्क्वायर नौ बटे में चार, वाई स्क्वायर माइनस में तीन के क्यूब सत्ताईस, दो के क्यूब आठ। ठीक है ना, ये पावर क्यूब है, यहाँ पर इसका पावर तीन है, इसका सत्ताईस और आठ आ चुके हैं। सोल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री तीन में सत्ताईस बटे में चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ये क्या हो जाएगा, नौ तीस सत्ताईस एक्स वाई स्क्वायर बटे में चार माइनस में सत्ताईस बटे में आठ वाई क्यूब। ये हो गया एक्स माइनस तीन बटे दो वाई की क्यूब। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ का फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन आता है सेवन नंबर, ज़रा लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए और लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, निन्यानवे की क्यूब, पहला क्या है, निन्यानवे की पावर तीन। तो ये जो निन्यानवे है ना, ये क्या होता है असल में, सौ माइनस एक का क्यूब। समझ आ गया, सौ में से एक घटाया निन्यानवे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं किस सरल समीका में, सरल समीका छः से। तो क्या लिख सकते हैं, सरल समीका छः से क्या हो जाएगा, ये सौ क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई क्यूब। तो मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इसमें रखा है वैल्यू, ये वैल्यू आ गई है, कितनी जीरो, एक दो तीन चार पाँच छ, तीन सौ गुणा निन्यानवे माइनस एक। निन्यानवे को तीन से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीन को निन्यानवे से गुणा करेंगे, देख लीजिए कितना आ जाएगा। देखा, अगर ये सौ होता, सौ को तीन से गुणा करते तीन सौ, 300 में से एक लेस हो गया तीन बार, तो ये कितना आ जाएगा, 297 297 आ जाएगा, आगे के दो जीरो, माइनस में कितना कर देंगे, एक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से एक के बाद छः जीरो, इसमें से 29701 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन दोनों के हैं, माइनस के हैं और दोनों भाई भाई, तो आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 29701। और ये जब इसमें वैल्यू में से लेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसको लेस करते हैं, इसमें से घटाना है आपको 29701, लेस करिए, 10 में से एक 9, 9 में से 0 9, 9 में 7 2, 9 में 0 9 खुद जाएगा तो 0, 9 में से 2 7 और यहाँ खुद कितना है 9, तो 97299।
ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। 102 क्या हो जाएगा, 102 की क्यूब है तो ये 100 प्लस 2 की क्यूब बन जाएगा, 998 है तो वह 1000 माइनस 2 की क्यूब बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं इनको आप सोल्व कीजिए, आपको PDF मिल गई है। ठीक है, PDF में क्वेश्चन को देखिए और करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।